बीजेपी का इतिहास देखेंगे तो उसमें अंग्रेजों की मुखबिरी का पन्ना होगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध का अध्याय होगा। अब इनका दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। अब सत्ता के सिंहासन पर बैठी बीजेपी के सांसद संसद में खड़े होकर संविधान से इंडिया का नाम मिटाने की मांग कर रहे हैं। पहले आप खुद सुन लीजिए बीजेपी सांसद नरेश बंसल का बयान। अंग्रेजी गुलामी के प्रतीक को हटा इस पुण्य पावन धरा का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज हटाकर भारत रखा जाए। बीजेपी के इन नासमझ नेताओं की हरकतों पर याद आता है यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, इसलिए आज हम बीजेपी नेताओं को ये सीख दे रहे हैं। भाजपा के नेताओं को, प्रधानमंत्री को ये याद रखना चाहिए कि पूरब से एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया को मिटाने, लेकिन इंडिया ने ऐसा इतिहास रचा कि जिस अंग्रेज हुकूमत में सूर्य अस्त नहीं होता था उसके सूरज को डुबो दिया। और ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब इंडिया की ताकत के आगे इसी भाजपा के सर्वशक्तिमान नेता ने सुबह सवेरे टीवी पर आकर माफी मांगी। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। भाजपा के इन बड़बोले सांसदों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम को बदलने का वो दुस्साहस तो याद होगा जब इसी इंडिया की ताकत के सामने इनके सुप्रीम लीडर ने घुटने टेक दिए थे और किसानों की जमीन कब्जाने के इरादे को दफन करना पड़ा। 2015 जब वो भूमि अधिग्रहण कानून लाना चाहते थे तो विपक्ष के भयंकर विरोध के कारण ऐसा नहीं हो पाया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने राष्ट्रपति के पास जाकर अपना प्रोटेस्ट जताया था। हिंदुस्तान के किसानों, आपके पैरों के नीचे सोना है, सोना, और ये लोग सोना आपसे छीनना चाहते हैं। तो जमीन आज लाखों में जाती है, जिसको आप एकड़ में बेचते हो वो जमीन आज से 5-10 साल बाद करोड़ों में जाएगी, उसको आप स्क्वायर फुट पे बेचोगे। ज्यादा दूर क्यों जाना, संसद का सत्र चल रहा है। इस इंडिया की ही तो ताकत है कि दुनिया जहां का चक्कर काटने वाले पीएम मोदी देश की संसद में आने से घबराए पड़े हैं। ये इंडिया है, इसका नाम मिटाना तो दूर की बात, जब इसकी तरफ कोई टेढ़ी आंख उठाता है तो ये इंडिया दुनिया का भूगोल बदलकर नक्शे पर नया देश खड़ा कर देता है। भाजपा के ऐसे बड़बोले नेताओं को और इनके आका को हमारा एक ही संदेश है, इंडिया सोया हुआ हाथी नहीं, जागा हुआ शेर है। इंडिया से टकराओगे तो शिकार हो जाओगे।